हम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के परिसर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ भागवत जी हैं। भागवत जी, आज आपको आपको प्रतीकात्मक डिग्री मिली है जी। और बहुत बधाई आपको। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर भागवत कुमार देवांगन है और मैं बेमेतरा के छोटे से गांव साजा से। साजा जी, तो कैसे डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ मिली? आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है क्या? नहीं, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, पर जब मैं छोटा था तो डॉक्टर्स को देखता था तो मैं उनके जैसे बनने की कोशिश करता हूँ जी। आपकी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी की छोटी सी दुकान है साइकिल की। ओके। और दादाजी लोगों की फार्मिंग है थोड़ी बहुत। जी जी। उसके बाद तो जैसे आपने जब घर में बोला होगा कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, घर की स्थिति हर किसी की इतनी नहीं होती कि वो परसू कर सकें, तो उस समय क्या सिचुएशन आई होगी, उसके बारे में शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, पर पेरेंट्स ने सपोर्ट बहुत किया है और हमारे टीचर जो है कोचिंग वगैरह के, मैंने भिलाई में ही कोचिंग की है, तो उनका सपोर्ट बहुत काम आया मेरा। और अभी मैं जैसे साइकिल की दुकान है, किस तरह की होलसेल साइकिल दुकान है कि साइकिल क्या करते हैं? पापा जी मैकेनिक है मेरे। ओके ओके, साइकिल मैकेनिक है। गांव में जैसे छोटी सी दुकान होती है। जी जी। अब ये 5.5 साल का सफर आपका था, उसमें किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की, चाहे पारिवारिक हो या कॉलेज के लाइफ के बारे में उसके शेयर कीजिए। देखिए, चुनौतियां तो हर जगह है, हर ईयर में एक बड़ा सा एग्ज़ाम होता था, पर कॉलेज में ऐसा माहौल है, यहाँ हमारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, सारे सपोर्टिव हैं, तो हंसते खेलते पूरा 5 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मैं चाहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ किसी अच्छे भी ब्रांच से। और क्या बनना चाहते हैं? सर्जन ही है, एक सर्जन बनना चाहता हूँ मैं, और आगे कोई सुपर स्पेशलिस्ट। आपके साथ आज कौन कौन आया हुआ है? घर से कोई आया क्या? मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन। एक फोटो उनके साथ कराएंगे अपन, है ना? ठीक, थैंक यू।